अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तीसरे दिन राम मंदिर में श्री राम लला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। गुरुवार को पौष पूर्णिमा के पर्व के अवसर पर राम मंदिर में लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पौष पूर्णिमा का पर्व है, जिससे लोग पवित्र स्नान करने आते हैं। बड़ी संख्या में लोग पैदल चलकर यहां आ रहे हैं। एक एक किलोमीटर लंबी दो कतारें लग गई है। लोगों को सामान सार्वजनिक सुविधा केंद्र में रखना होता है। लोगों की चेकिंग भी की जा रही है। देखिए, आज पौष पूर्णिमा का पर्व है, जिसमें लोग स्नान करते हैं। आसपास के लोग का भारी संख्या में पैदल चल करके आ रहे हैं। अभी तक एक एक किलोमीटर की दो लाइनें हमारी लग चुकी हैं और सभी लोग सुव्यवस्थित हैं। सभी के दर्शन प्रारंभ हुए हैं और हम लोग लगातार इसको भ्रमण रह करके लोगों को सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें एक प्रोसेस है कि हर आदमी, कोई भी आदमी जो सामान लेके आता है, उसको रखवाना होता है PFC में, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में। वहाँ पर उसकी इस बैगेज स्कैनर्स के थ्रू लोग निकलते हैं, देख सामान निकलता है उसकी। हमारी एक अलग से फिजिकल फ्रिस्किंग के लिए भी एक अलग काउंटर है। वहाँ से होते हुए एक सर्कुलेशन में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लौट करके अपना सामान उसी क्लॉक रूम से लेते हैं और वापस के मार्ग पर आते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक सर्किल का निर्माण पहले से जो किया गया था, उसे व्यवस्थित किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि सामान कम से कम संख्या में अपना लेके आए, ताकि उनको यहाँ पर PFC में कम से कम समय लगे। आसपास जो आज जूते चप्पल के लिए भी पृथक से अलग व्यवस्थाएं और की गई हैं, ताकि लोगों को उसमें भी सुचारू रूप से चीजें हो सकें। जो बाहर के लोग चल करके आ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने हर तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इस तरह से बेहतर किया है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। हमको यहाँ पर सुरक्षा भी लगातार सुनिश्चित करनी होती है और वहाँ स्थानीय जो लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं, उनकी सुविधाएं भी देखनी होती हैं। उन दोनों के बीच में हम लोग संतुलन बनाते हुए एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आशान्वित हूँ कि लोग यहाँ से प्रसन्न और उल्लास और उसी तरह की उत्साह के साथ दर्शन करके जा रहे हैं, जिस हिसाब से, जिस भावना और जिस प्रचंड आवेग से लोग आ रहे हैं। अयोध्या में अपने भव्य, नव्य और दिव्य मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन के लिए आ रही भक्तों की भीड़ शासन प्रशासन के लिए भी लगातार चुनौती बनी हुई है। दर्शनार्थियों के इसी उत्साह और उल्लास के कारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नियमों में बदलाव कर दर्शन के समय को बढ़ाना पड़ा। आपको बता दें कि दूसरे दिन 3 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। वहीं मंगलवार की बात करें तो राम मंदिर को 3,17,00,000 रुपए भक्तों से दान स्वरूप मिले। भीड़ प्रबंधन के लिए मंगलवार को यहां पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम के सहयोग में PMO से भी अधिकारी भेजे गए थे। राम जन्मभूमि के कंट्रोल रूम में हुई CM योगी की बैठक के बाद कुछ नई व्यवस्थाएं की गई। श्रद्धालुओं के लिए 4 होल्डिंग एरिया बनाए गए। यहां से 150 से 200 की संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था मंदिर की ओर रवाना किया जा रहा है।